जिला कलेक्टर लोकबंधु एवं जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा ने बयाना पहुंचकर बयाना कस्बे में फ्लैग मार्च निकाला। बयाना कस्बे में पुलिस प्रशासन एवं अर्धसैनिक बल के साथ पैदल फ्लैग मार्च करते हुए कस्बे के मुख्य मार्गों से निकले, साथ में सीआरपीएफ की महिला बटालियन भी साथ रही, जिससे लोगों ने फ्लैग मार्च को देखने का उत्साह नजर आया। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए जिला कलेक्टर लोकबंधु एवं एसपी मृदुल कच्छावा ने निष्पक्ष मतदान के लिए लोगों में मतदान के प्रति जागरूकता लाने की बात कही। उन्होंने कहा कि पुलिस की हर एक गतिविधि पर टेढ़ी नजर है, जो भी आचार संहिता का उल्लंघन करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। मतदान है, मतदान दिवस है। चुनाव की जो हमारी तैयारियां हैं वो पूरे टाइमलाइन के हिसाब से चल रही है। विभिन्न क्षेत्रों का मैं और एसपी साहब दौरा कर रहे हैं। आज हमने उपवास क्षेत्र में दौरा किया, रोजावर से दौरा किया, बयाना है, नदबई और बयाना विधानसभा के काफ़ी दूर गए, काफ़ी लोगों से मिले, चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। आगे अभी हम जो हमारी सीएपीएस है उसके साथ मार्च भी करें और चुनाव के संबंध में आज संबंधित अधिकारी से बैठक भी लेंगे। चुनाव आयोग का ध्येय है कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से मतदान हो, उसके लिए हमारी तैयारियां पूरी हैं और कोई भी इंटिमिडेशन या कोई भी इस तरह की चुनाव को अफेक्ट करने वाली जो कार्रवाई, उस पर हमारी पूरी नज़र है और उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जिला पुलिस द्वारा सुरक्षा के और भय मुक्त वातावरण में मतदान प्रक्रिया संपन्न हो, निष्पक्ष रूप से मतदान प्रक्रिया संपन्न हो, इसके व्यापक प्रबंध जो हैं वो किए गए हैं। आज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक कंपनी के साथ में फ्लैग मार्च निकाला गया है, जिससे कि आम जन में एक विश्वास पैदा हो और भय मुक्त वातावरण में आगामी निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न हो।